Next question. Uh, question says force between two identical spheres charged with same charge is F. If 50% charge of one sphere is transferred to other sphere, comma, then the new force will be option A 3 by 4, 3 by 2, 3 by 8, or yeah, none of these. Now this is the scenario. कि आपका एक ये स्फेयर और बहुत दूरी पे एक और दूसरा स्फेयर ऐसे रखा हुआ है इसके ऊपर लेट से चार्ज क्यूँ इसके ऊपर लेट से चार्ज क्यों और दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट से दिस इज आर सो इन दैट केस फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन दैट विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सो दिस इक्वेशन नंबर वन ये अपना फोर्स एफ होएगा नाउ वॉट वी हैव डन इन द सेकेंड केस सेकेंड केस में हमने इसका जो चार्ज है फिफ्टी परसेंट चार्ज यानी कि अब इसके ऊपर चार्ज बचेगा Q बाय टू वो हमने ट्रांसफर कर दिया इसके ऊपर तो इसका चार्ज हो गया अब Q प्लस क्यू बाय टू सो दैट विल बी इक्वल टू थ्री क्यू बाय टू और इनका डिस्टेंस हमने अभी भी सेम रखा है सो so डिस्टेंस आपका हार तो इस केस में जो आपका एफ डैश आएगा न्यू न्यू फोर्स दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बाय टू मल्टीप्लाइड बाय आपका थ्री क्यू बाय टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर सो दिस विल भी इक्वल टू ये बनेगा आपका के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लायड बाय थ्री बाय फोर बिकॉज ये वन बाय टू और थ्री बाय टू मल्टीप्लाय होकर थ्री बाय फोर हो जाएंगे सो विच एम्प्लाइज आपका एफ डैश जो है दैट विल बी इक्वल टू थ्री बाय फोर एफ बिकॉज ये आपका के क्यू स्क्वायर बाय इक्वेशन नंबर वन से के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज एफ सो आपका एफ डैश वुल भीवल टू थ्री बाय फोर है थ्री बाय फोर एफ हेंस ऑप्शन नंबर वन थ्री बाय फोर एफ वुड बी द राइट आंसर